नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसूनी। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद एक कार्यक्रम जनता की बात, SW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर जनता की बात कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। आज जनता की बात कार्यक्रम में हम नतीजों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है और कुछ ही घंटों में अब नतीजे आ जाएंगे। नतीजों को केवल अब कुछ ही घंटे शेष रह गए, यानी महीनों का समय अब कई दिनों के बाद अब घंटों में बदल चुका है। कुछ ही घंटे के बाद नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस नतीजों के पहले कहीं ना कहीं अब अनुमानों के सिलसिले भी चल रहे हैं। हर दल, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई सा भी दल हो, अपनी जीत का दावा कर रहा है। यहाँ तक कि निर्दलीय भी अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनता का फैसला UM मशीनों में कैद हो चुका है और ये फैसला 3 तारीख को हमारे बीच आ जाएगा, जिसमें अब कुछ ही घंटे शेष रह गए। एक बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज जनता की बात का हम 30वां एपिसोड आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। पिछले 29 एपिसोड में आप सभी का स्नेह हमको बहुत अच्छा मिला, ढेर सारी कमेंट्स भी आप लोगों की मिली। आपकी कमेंट्स के सहारे हमने हर बार इस कार्यक्रम में संशोधन करते हुए और एक नया रूप देते गए हैं। पहले हमने आपको इस कार्यक्रम में डिबेट्स दिखाई, डिबेट्स के बाद में जनता की राय दिखाई, आज हम आपको नतीजों पर चर्चा दिखाएंगे। इसके बाद भी कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह का स्नेह हमारे साथ बना रखें और आप लगी कि कमेंट्स हम लोगों को मिलती रहें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बना सकें। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का स्नेह बहुत अच्छा मिला और ये कार्यक्रम आप लोगों के दम पे ही चल रहा है, तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहें। आज की हम चर्चा शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यक्ति विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिसका हमारा चैनल कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक तरीके से शुरू से ही कहता रहा हूँ कि यहाँ व्यक्ति विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एक विचारों के अभिव्यक्ति मात्र का कार्यक्रम है। हम यहाँ किसी का समर्थन नहीं करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल, पार्टी, व्यक्ति विशेष, जाति, किसी का भी समर्थन नहीं करते और ना ही किसी का विरोध करते हैं। ये कार्यक्रम एक विचारों के अभिव्यक्ति मात्र है और लोगों के विचारों तक, विचारों को आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के एक नागरिक, सालकराम जी मौर्य। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? नमस्ते सभी मतदाताओं का, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, ये तो जनता जनार्दन का जो भी संदेश और आशीर्वाद मिलेगा उस पर हम स्वीकार करेंगे। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनने के 100% चांसेस हैं। मतदाताओं का मौन इस बार का कार्यक्रम रहा, साइलेंट मोड में सभी ने अपने मतदान का उपयोग किया। मतदान भी इस बार 80-81% मतदान रहा और जब जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो कांग्रेस को विजय श्री का आशीर्वाद जनता की ओर से मिलता है। कांग्रेस को विजय श्री का आशीर्वाद मतदान बढ़ने की वजह से मिलता है, ऐसे कौन से कारण मानते हैं आप कि कांग्रेस की विजय होगी, क्या कारण रहे होंगे? देखो, हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो वचन पत्र दिया गया है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि हमारे जो वचन पत्र हमने दिए हैं उस वचन पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनने के चांस हैं, कांग्रेस विधायक बनने के चांस हैं। वचन पत्र में सभी चीज़ें सम्मिलित की गई है। 500 रुपये में गैस टंकी मिलेगी, 1500 रुपये नारी सम्मान के लिए उनको पारितोषिक, मतलब आपको लगता है कि वचन पत्र की वजह से कांग्रेस जीत रही है? वचन पत्र में जरूर जीत रहे हैं और वचन पत्र ऐसा है कि उसमें सभी का समायोजित किया गया, कोई भी वर्ग उससे वंचित नहीं रहेगा, सबको उसका लाभ मिलेगा और लोगों ने वचन पत्र के आधार पर भी मतदान किया है। वचन पत्र क्या, आपको खरगोन में क्या लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर है बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी जी के बीच में? खरगोन की तो कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन हमारा क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री रवि जोशी जी विजय श्री का आशीर्वाद लेंगे और जीतेंगे भी। रवि जोशी जी जीतेंगे। मौर्य जी, एक सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की सरकार जो है फिलहाल 3.85 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है, किसानों का कर्जा माफ होगा, कई और भी दूसरे वचन दिए उन्होंने, किस तरह से पूर्ति होगी, क्या लगता है इस कर्जे की स्थिति में क्या स्थितियां बनेगी? देखो, वचन पत्र और एजेंडा जो बनाया गया है
वो सारी चीज़ें उनके सम्मुख थी, उन्हें भी मालूम है कि 3.85 करोड़ का कर्जा है, लेकिन फिर भी जो वादा किया है, हम पूर्व में भी हमने जो सरकार हमारी बनी थी, हम चुनाव के पहले जो एजेंडा लाए थे वो क्लियर हुआ था, और 15 महीने की सरकार में कर्ज माफी की शुरुआत 15 से 20 दिन के पहले हो चुकी थी, कर्जा शुरुआत किया भी था, कर्जा छोटे स्तर से शुरू किया, जिनका कम था उनको पहले प्राथमिकता ली, उसके बाद में उससे ज़्यादा वाले का कम से कम ये मान के चलो कि 1.5 लाख तक का कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ़ किया है, और हमारे उनमें भी बहुत सारे लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है। सूची मेरे पास थी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज ये होगी डिबेट, नहीं तो मैं सूची भी बताता। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अपने वचन पत्र पर प्रतिबद्ध रहेगी और अपने वचनों को निभाएगी? जरूर निभाएगी पूर्व, लेकिन इन्होंने क्या करा कि बीच में सरकार को गिरा दिया, चुरा लिया, खरीदी बिक्री हो गई, इस वजह से हमारी सरकार गिर गई। और इन्होंने मतलब इनको पता था कि अगर मान लो कि अगर सरकार खरीदी बिक्री नहीं हुई या कोई दबाव प्रभाव नहीं डालेंगे तो जो भी हमारी कमियां हैं वो उजागर होगी और हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। आपको लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार जा रही है? जरूर जा रही है। आज की जनता की बात में हम नतीजों को लेकर के अनुमान जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने किस बेस पर किस आधार पर मतदान किया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे ही ऊन के एक और जुड़े हैं, क्या नाम आपका? मुकेश प्रजापत हूँ, ग्राम ऊन से हूँ। ग्राम ऊन से मुकेश प्रजापत, क्या लगता है आपको क्या किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी ना। बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? बीजेपी की सरकार क्या है, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, अच्छे रोड बनाए हैं और अच्छी सुविधा दी, 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, जब किसानों को भी 10 घंटा बिजली उपलब्ध मिल रही है। अच्छा, तो ऐसे कौन से कारण आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जीत दिलाने में कौन से महत्वपूर्ण कारण रहेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार किन कारणों से बनेगी? युवाओं ने सब उन्हों को वोट दिया है, बीजेपी को दिया है। बीजेपी को वोट दिया, आपको लगता है युवा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है? हाँ। खरगोन में क्या रहेगा, बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी, क्या लगता है? बालकृष्ण आएगा, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? उनको इस बार अच्छा मतदान हुआ है, उनके लिए मतदान अच्छा हुआ। कैसा? खरगोन विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कई बड़े बड़े गांव आते हैं जिनमें रायबीरपुरा भी शामिल है। रायबीरपुरा में लगभग 65% कर्मचारी वोटर हैं, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारी, सबसे ज़्यादा शिक्षक है, लगभग 300 शिक्षक हैं यहाँ पे और अन्य भी कर्मचारी हैं। ओपीएस योजना कितनी काम करेगी जानने का प्रयास करते हैं, रायबीरपुरा निवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, क्या लगता है इस बार ओपीएस का कितना प्रभाव रहेगा? ओपीएस का हमारे गाँव में सरकारी को रूम में कमी चलाई थी 150 भर के, और हमारे यहाँ क्या कि शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहन योजना निकाली थी उनका असर बहुत अच्छा है, तो हमारे यहाँ से तो अच्छी खासी लीड मिलेगी बीजेपी को। बीजेपी को लीड जा रही है। आपको लगता है कि ओपीएस का जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा? नहीं, वो लाडली बहना का असर अच्छा है हमारे गांव में। अच्छा, लाडली बहना का असर लगता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को एक तरीके से हाशिए पे ला करके बीजेपी चुनाव लड़ी है, कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, मुख्यमंत्री के रूप में आप यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है किसको देखना चाहेंगे, कौन चेहरा होना चाहिए? वो तो क्या पार्टी तो शिवराज सिंह, अभी फिलहाल में तो वही बनेंगे, शिवराज सिंह ही बनेंगे। क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही कि शिवराज सिंह को दरकिनार किया गया, क्या स्थितियाँ रही? आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह को किन कारणों से प्रोजेक्ट नहीं किया गया? अब वो पार्टी जो भी चाहे वो करेगी, पार्टी का निर्णय। रायबीरपुरा में आपको क्या लगता है इस बार क्या गणित रहेगा रायबीरपुरा का? खरगोन विधानसभा बालकृष्ण पाटीदार हैं और रवि जोशी जी, क्या है किसका पलड़ा भारी रहेगा रायबीरपुरा से, क्या रहेगा वोट काउंटिंग के हिसाब से? वोट काउंटिंग के हिसाब से हमारे गांव में क्या प्रतिशत अच्छा है, गांव में बीजेपी को सफलता मिलेगी, बीजेपी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बोलने वालों की कमी नहीं है, बोलने वाले खुद बोलने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार नहीं, पहले तो मैं खरगोन विधानसभा की बात करूंगा। बालकृष्ण पाटीदार जी, पाटीदार जी होने के नाते पाटीदारों के लिए क्या किया उन्होंने? कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कॉलेज, युवाओं के लिए बहुत बड़ी रोजगार की योजनाएँ जो इस क्षेत्र में ला सकते हो, कृषि मंत्री होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में कृषि के लिए क्या विकास हुआ? एक इंदिरा सागर योजना है, बहुत पुरानी चली थी, जो इंदिरा जी ने सपना देखा था, जो हमारे क्षेत्र में आई, माननीय निमाड़ के हमारे भावी नेता रहे कांग्रेस के सुभाष यादव जी, उन्होंने निमाड़ में लाए नर्मदा जी को,
हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी ने फंडिंग नहीं की, बीजेपी ने सरकार में वो योजना हमारे क्षेत्र में लागू हुई और बहुत किसानों को फायदा हुआ है ना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतने वाली बात नहीं है, किसानों का कौन हित करता है, युवाओं को कौन रोजगार दे रहा है। हम यहाँ केवल चर्चा इसलिए कर रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, किसानों की पार्टी है। कांग्रेस जीतेगी आपको लगता है? विश्वसनीय पार्टी। खरगोन में क्या होगा? खरगोन में कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। में अनुमानों को लेकर भी कहीं कहीं चर्चाएं चल रही, कई प्रकार के अनुमान लगा रहे हैं, दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रामकिरण जी, क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी? जीत सच्चाई की होगी। जीत सच्चाई की होगी। हाँ। क्या लगता है कौन सा दल सच्चा है? जो मेरा खुद का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है, तो ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। हाँ। मतलब सच्चाई की जीत होगी, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने एक वादा और किया है, गैस टंकी 500 रुपये में देंगे। हाँ। कमल शिवराज जी ने पहले ही उस योजना को फेल करते हुए 450 रुपये में टंकी देना प्रारंभ किया है। क्या भविष्य में आपको नहीं लगता कि इस तरह की रेवड़ियों से महंगाई बढ़ेगी या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा? ये तो बराबर सत्य है दोनों पार्टी के लिए, क्योंकि इसका बोझ आम आदमी पे जाता है। आम आदमी के ऊपर बोझ जाता है, इसका बोझ आम आदमी पे जाएगा। आम आदमी से लेंगे और हमें ही देंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी का तो कहीं से कहीं तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि वो सीएम है। अच्छा, सीएम बनेंगे। आपको लगता है कि सीएम शिवराज को नहीं बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा, वो खुद बोल रहे हैं। खरगोन में क्या लगता है कौन जीतेगा? रवि जोशी जीतेंगे। हाँ। ऐसे अनुमान, जैसे पूर्व अनुमान आप लगा रहे हो, ऐसा क्या कारण है, किन अनुमानों से आप ऐसा सोच रहे हैं? कुछ गलतियाँ हुई है बीजेपी सरकार, बीजेपी के उम्मीदवार से कि उन्होंने ध्रुवीकरण किया है, हिंदू मुस्लिम, यह ध्रुवीकरण उनके लिए घातक है, ये नहीं करना चाहिए। सुनील जी, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा, क्या गणित रहेगा, अभी क्या अनुमान लगा रहे हो आप लोग, क्या आंकड़े बनेंगे, क्या किस तरह से रहेगा? आंकड़े क्या, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है जो हमारे बालकृष्ण पाटीदार है, वो बराबर जीत रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं बनेंगे, तो मेरा ये कहना पड़ रहा है कि ये तो अपने घर की बात है, अपने घर की बात अपने को मालूम, दूसरे को क्या मालूम। जैसे रामकिरण भाई ने कहा कि शिवराज सिंह प्रोजेक्ट नहीं है, तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, ये इनको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई हम प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करते कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा कि वो प्रधानमंत्री रहेगा, हम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो सही रहती है वही काम करती है। और हाँ, सवाल कर्ज माफ़ी का, जो रामकिरण भाई ने कहा है कि 2 लाख का कर्ज माफ़ हुआ है, तो पूर्ण रूप से कर्ज माफ़ी बिल्कुल नहीं हुई है। उन सोसाइटी में जाकर देख ले, सिर्फ उसी का कर्जा माफ़ हुआ है जो डिफाल्टर है। मेरे पिताजी का नाम मोहन भगवान है और वो 49,000 रुपये का कर्ज ऋणी था, 49,000 का, जबकि 50,000 के अंदर का कर्ज माफ़ करना था, वो आज भी बकाया तो का बकाया है। कर्ज माफी सिर पर डिफाल्टर लोगों की हुई थी उनमें, और पूरे खरगोन विधानसभा में मात्र रवि भाई के कारण कर्ज माफी नहीं हो पाई है। कर्ज माफी सिर पर उन 50,000 की नहीं है, सिर पर कर्ज माफी डिफाल्टर लोगों की हुई थी। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा, कर्ज माफी का वादा जो कांग्रेस कर रही है, क्या इस बार वो पूरा कर पाएगी? यार देखो भैया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब कर्ज माफी नहीं चली, कर्ज माफ पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं, तो अभी कैसे होगा? एक बात और सुनील जी, जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं शिवराज को दरकिनार किया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी मानती है कि शिवराज की कुछ गलतियां रही या शिवराज को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो क्या ऐसी स्थितियां बनेंगी कि सरकार सत्ता परिवर्तन की एक तरीके से वो आ जाएगी, सत्ता मध्य प्रदेश में सत्ता ही गिर जाए और कांग्रेस सरकार बना ले? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। अब क्या, मुख्यमंत्री जी को विगत 18 साल हो गए, 18 साल से सरकार चला रहे हैं और अच्छी खासी सरकार चला रहे हैं। पहले गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे, ये आपको भी मालूम है, पूरे जनता को मालूम है। आज कितनी व्यवस्थाएं हर जगह दी है, हर घर में नल जल की व्यवस्था है। इस गांव में 29 दिनों में 28 दिनों में भी पानी आया था, आज वर्तमान में हर तीसरे रोज पानी आ रहा है और पूरे गाँव में नर्मदा बह रही है।
पर ऐसी कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही कि शिवराज को ऐसा क्या कारण रहा कि दरकिनार किया गया या एक तरीके से उनकी राजनीति को हाशिए पर लाने के प्रयास हुए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण तो रहे होंगे। नहीं, राजनीतिक समीकरण ऐसा कहीं नहीं है भैया, कोई हाशिए पर नहीं है, वो आज भी पावरफुल नेता है। मतलब आप मानते हो शिवराज के कामों से? बिल्कुल बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो आप चाहेंगे कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, 99% वही मुख्यमंत्री रहे, ये हमारी भावना है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनती है तो शिवराज को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? यदि पार्टी किसी दूसरे को नेतृत्व देती है तो क्या? बिल्कुल, हमको सिरोधार्य है। मतलब आप पार्टी के नेतृत्व? बिल्कुल, हम पार्टी का नेतृत्व जो करेगा हम उसके बिल्कुल अधीन है और उसको हम स्वीकार करेंगे। चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनुमान, पूर्वानुमान लोग लगाने लगते हैं कि भाई हमारी सरकार बन रही है, हमारा व्यक्ति जीत रहा है, और इसी को लेकर के आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। जनता की बात के आज के एपिसोड में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ और यहाँ के एक निवासी जुड़े, संतोष जी, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनेगी, खरगोन में कौन जीत रहा है? बालकृष्ण पाटीदार। ऐसा क्यों लगता है कि खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है? ऐसे कौन से कारण है, कौन से समीकरण, कौन से वादे जो है काम कर रहे हैं जमीन के ऊपर? वादा खिलाफी करती नहीं भाजपा, वादा के साथ में चलती है, वादा निभाती है। कांग्रेस जैसी वादा खिलाफी नहीं चलती है। वो आप पिछले चुनाव में 2 लाख के जो कर्जे की बात कही थी कांग्रेस ने, तो वादा खिलाफी हुई, अभी तक सरकार गिरी। अगर किसानों का कर्जा माफ़ करती तो विधायक इधर से उधर भगते नहीं। मतलब आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज या भाजपा की सरकार बन रही है, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार को आप विजय मान रहे हैं? संतोष जी, आप एक पाटीदार वर्ग से आते हैं और जातिवाद सबसे बड़ा चुनाव में एक मुद्दा रहता है, जाति को लेके लोग उम्मीदें रखते हैं कि अपने जाति का एक उम्मीदवार रहे तो जाति के लोगों को वोट करने का कि भाई जात का एक प्रभाव रहता है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में जातिवाद कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा? जातिवाद यहाँ MP में नहीं चलता, ये उत्तर प्रदेश में चलता है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, 1947 जो भाजपा में चल रही पाटीदार समाज वो चलती आ रही, चलती रहेगी। आपको क्या लगता है पाटीदार एक तरीके से पाटीदार वर्ग बालकृष्ण पाटीदार को समर्थन देगा नहीं देगा? देगा नहीं देगा, मतलब एक तरीके से हम मान ले तो पाटीदार वोटरों का बालकृष्ण पाटीदार को समर्थन रहेगा? हाँ। क्या नाम है आपका? मांगीलाल पाटीदार। मांगीलाल जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कारण है? इसका कारण ये लग रहा है क्योंकि पाटीदार समाज से बालकृष्ण पाटीदार जो आते हैं उन्होंने सभी समाजों को धर्मशालाएं दी हुई है और अन्य समाजों को, सभी समाजों को धर्मशालाएं दी है उन्होंने। हमें लगता है कि फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इस बार फिर शिवराज सिंह चौहान को जी को लाएंगे। सुनील जी, एक बात मैंने अभी पूछी पूर्व वक्ता से कि जातिवाद, तो क्या लगता है आपको इस बार जातिवाद का फैक्टर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लगभग जातिवाद बहुत कम चलता है और वहाँ खरगोन में वोटर भी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं, आप घोटियाओं को लीजिए, बनिहार को लीजिए, पिपरी को लीजिए, नगगांव बगूत है और भी बहुत सारे गाँव हैं, सुरपाला, डालका वगैरह जितने भी गाँव हैं, तो पाटीदार बहुल है। क्या लगता है जातिवाद का फैक्टर काम करेगा? नहीं, इसमें जातिवाद का फैक्टर काम नहीं करेगा, परंतु क्या है कि बाहुल्य समाज जो पाटीदार समाज है हमारा, ये हमारे खरगोन जिले में सबसे अधिक पाटीदार समाज के 62 गांव है। 62 गांव में अब पार्टी भी चाहती है कि कोई ऐसे जो बड़ा समाज है उसको जानबूझकर टिकट देती है, जैसे पहली बार रामलाल जी पाटीदार को भी टिकट दिया था, तो पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से देते हैं। वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा समाज रहती है, पार्टी सोचती है कि जिस ज़्यादा समाज का व्यक्ति है उसको टिकट देंगे तो जीत की संभावना है। राजनीतिक समीकरणों की हम जब बात करते हैं तो जातीय वर्ग के साथ एक सबसे बड़ी बात मुस्लिम वोटरों की बात आती है। खरगोन शहर और गोगांव और जितने भी मुस्लिम वोटर के गांव हैं वहां मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं और लगभग 45,000 के लगभग मध्य अपने खरगोन विधानसभा के अंदर मुस्लिम वोटर है। कहीं ना कहीं भाजपा का एक विरोधी, कह सकते हैं कि विरोधी वर्ग है जो भाजपा को कहीं ना कहीं गड्ढा देता है। क्या लगता है आपको इस बार क्या समीकरण बनेंगे? नहीं नहीं, ये गलत बात है कि किसी ने कहा है कि जातिगत वो हमारा कोई विरोधी दल नहीं है, उसमें भी हमारे भाई है जो कि हिंदू मुस्लिम सब एक है और मुस्लिम समाज से भी कई हजारों मत भाजपा के पक्ष में आए हैं और आते रहेंगे। आपको लगता है खरगोन शहर आपको मतलब बालकृष्ण पाटीदार को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, 99% सपोर्ट करेगा
और जो बाहुल्य मुस्लिम समाज है जिस क्षेत्र में जो वार्ड है उसमें भी भाजपा के पक्ष में मतदान 99% पड़ेंगे। हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं की भी राय जोड़नी जानी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है और कांग्रेस जो है ज़मीन पर किन वादों के साथ उतरी वो जानने का प्रयास करते हैं कि कितने वादे कांग्रेस और बीजेपी के ज़मीन पर कार्य कर ये जानने का प्रयास करते हैं। अजय जी, क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी, कौन जीतेगा? देखिए, दावे सब अपने अपने करेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कांग्रेस सरकार बन रही है, बीजेपी वाले कार्यकर्ता कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। 3 तारीख का इंतज़ार करो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक अभी जो संकेत मिल रहे हैं, संकेत को देखते हुए कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनने जा रही है। ऐसे संकेत क्या देख रहे हैं आप, कौन से संकेत हैं ऐसे? एक तो क्या है, मतों का प्रतिशत, और शहरी मतदाताओं से भी, मैं अभी 2 दिन बाहर रहा, मैंने कई जगह पूछताछ करी, 2 दिन इंदौर रहा, मैंने वहाँ भी व्यापारियों से भी पूछा और अन्य वर्गों से भी पूछा, तो उन्हें सभी ने यही कहा कि भाई परिवर्तन लग रहा है। परिवर्तन लग रहा है बिल्कुल। मतदान का एक सबसे बड़ी खासियत, अजय जी, जब मतदान की बात आप कर रहे हो तो मतदान में कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कहीं युवा वोटर नए जुड़े हैं और युवाओं में एक उत्साह देखा है, तो मतदान का प्रतिशत कहीं वो भी बढ़ता दिखता है। आप मतदान के प्रतिशत पर किस तरह से आकलन करते हैं? मतदान का प्रतिशत को देखते हुए यदि मतदान यदि 5-10% बढ़ोतरी होता तो अपन मानते हैं उसमें कि भाई सरकार की योजनाओं का लोगों को जो लाभ मिल रहा है तो लोगों ने उसमें उत्साह है, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। जो मत का प्रतिशत है पिछली बार जो था लगभग वही का वही रहा मत का प्रतिशत, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और वर्तमान में जो लोगों ने एक रुख बनाया कि भाई एक ही रोटी को नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी, इसलिए लोगों का रुख ऐसा लग रहा है, लोगों को हमने जहाँ जहाँ भी पूछा लोगों के ऐसे मत लग रहा है कि इस बार निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन की लहर लग रही है आपको। खरगोन में क्या स्थितियाँ रहेगी? खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार, रवि जोशी एक चीर प्रतिद्वंदी है, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों ही एक एक बार हरा चुके हैं एक दूसरे को, इस बार क्या लगता है? इस बार लगता क्या है, जमीनी संपर्क, रवि जोशी जी का जमीनी संपर्क इतना मजबूत है कि वर्तमान में उनके आगे बालकृष्ण पाटीदार कहीं भी ठहरते नहीं है। बालकृष्ण पाटीदार पिछले 5 साल में जब चुनाव हार के गए उसके बाद से एक बार भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया, कभी किसी को नज़र नहीं आया, किसी के दुख में सुख में एक बार भी नहीं आया। उसके बावजूद हमारे माननीय विधायक रवि जोशी जी 50 बार सुख में दुख में कार्यकर्ता ने एक बार फ़ोन करा वो तत्काल नज़र आते हैं, उनके बीच में आते हैं, और पिछले 5 साल में जब नए विधायक थे रवि जोशी जी, जब भी वो 50 बार ऊन में आए, और अभी भी जब से विधायक बने उसके बाद से भी 50 बार वो ऊन में मतलब आए। आपको लगता है कहीं तो जीवित संपर्क उनका है, कहीं ना कहीं व्यवहार कुशलता का रवि जोशी जी को फायदा पहुँचे? बिल्कुल निश्चित मिलेगा। मैं तो अभी कल भी खरगोन था, आज सुबह भी खरगोन था 2 घंटे, वहाँ भी मैंने कई लोगों से मुलाकात करी, मिला उनसे, उन्होंने भी यही बोला। जी, खरगोन की बात करते हैं, खरगोन शहर खरगोन विधानसभा का सबसे ज़्यादा प्रभावित वोटरों को, वोट काउंटिंग को प्रभावित करने वाला है। खरगोन शहर को लेकर के कहते हैं कि खरगोन विधानसभा का जितना भी डिसीजन होता है खरगोन शहर के आधार पर होता है। आपको क्या लगता है खरगोन शहर में क्या स्थितियाँ रहेगी? खरगोन से निश्चित कांग्रेस को लीड मिलेगी। ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण? मैंने लोगों से पूछा ना, वहाँ पे जो लोगों से मिलता हूँ, शहरी मतदाताओं से मिला, उन लोगों ने बताया कि भैया हम तो इस बार परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन आपको लगता है परिवर्तन होगा? जी। अजय जी, एक सबसे बड़ी आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा, आज की चर्चा का सबसे आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस अपने वादे लेके उतरी है, वचन पत्र लेके उतरी है, भाजपा भी अपने कई वादों के साथ उतरी है, कई योजनाओं के साथ उतरी है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार 3.85 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है, यानी सरकार इतने कर्जे में है कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, 47,000 रुपये के कर्जे में गड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हर नागरिक के ऊपर 47,000 रुपये का कर्जा है। इस स्थिति में कांग्रेस कर्ज माफ़ी कैसे कर पाएगी? जो कांग्रेस ने दावा किया है कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, तो उसकी जैसे अब शिवराज सिंह ने व्यवस्था करी, बजट कर्ज लेके 3,85,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने करा है, तो कर्ज लेके ही करा है और लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे ही कांग्रेस भी करेगी। मतलब कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति और बढ़ती जाए, बढ़ना है, निश्चित बढ़ना है। आज 47,000 का एक व्यक्ति पे कर्ज है, निश्चित वो 50,000 भी होगा, 55,000 भी होगा, क्योंकि अब ये क्या है कि आजकल जितना जनता को ये जनता जनहितैषी कार्य करेंगे और जनता को जितना ये अजय अजय जी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जनहितैषी कार्यों की बजाय केवल वोट लेने की रेवड़ियाँ हैं? वो तो है, निश्चित है ना,
बाकी शुरुआत किसने करी है, उधर से ही शुरुआत हुई है। लेकिन तो आदमी सोच रहा है कि भाई ये 10 रुपये दे रहे थे, अपन 12 रुपये दे दो, बात वही आ रही। उन्होंने कहा कि हम 10,000 देंगे। मतलब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के 10 और 12 वाला तोड़े। हाँ तो है ना, वो तो बहुत पहले से अन्य राज्यों में जब ये लागू हुई तो निश्चित था कि मध्य प्रदेश में लागू होना। इसीलिए शिवराज सिंह ने घबरा करके लाडली बहना योजना 4 महीने पहले चुनाव को देखते, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि अपनी हार दिख रही है, सत्ता परिवर्तन होगा, इसी को देखते उन्होंने महिलाओं को साधने के लिए उन्होंने ये 1,000 महीने की उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी। मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस फिर से सरकार बना लेगी? बिल्कुल निश्चित बनाएगी। हमने बहुत सारे लोगों से राय जानी, बहुत सारे लोगों के विचार जाने, कुछ इसमें कांग्रेस के समर्थक में भी बोले हैं, कुछ बीजेपी के समर्थन में बोले हैं। कहीं ना कहीं फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से हम आपके साथ लाइव रहेंगे और 3 दिसंबर को 7 बजे से लेकर के जब तक मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो जाएगी, हम आपको हर नतीजा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पूरे लाइव नतीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, देखते रहना SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश, और खबरें अभी बाकी खबरों के लिए देखते रहे SW24 मध्य प्रदेश। और मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज की जनता के बात में इतना ही, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।